हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर को डेवलप किया जा रहा है और उनका कहना है कि इसे 15 सालों में डेवलप कर लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि ये जो टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर होते हैं, ये रोटरी विंग हेलीकॉप्टर से कई मामलों में बेहतर होते हैं और इन्हें डेवलप करने के बाद इंडियन आर्म फोर्सेज में शामिल भी किया जाएगा। इन हेलीकॉप्टर्स को इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आर्मी तीनों फोर्सेज के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये जो न्यूज है, ये मीडिया में ही निकल के आई है। हाल के द्वारा ऐसे किसी भी तरीके के न्यूज को ऑफिशियली नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम आपको इस टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि ये किस प्रकार से रोटरिंग विंग हेलीकॉप्टर से ज्यादा बेहतरीन होते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये जो टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी है, ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है। इन्हें लगभग आज से 40 साल पहले ही डेवलप कर लिया गया था, लेकिन दुनिया में बहुत कम ही ऐसे हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल हैं, जिसमें से अमेरिका का V-22 ऑस्प्रे है और इन्हें अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल भी किया जाता है। अमेरिका के साथ साथ इसे जापानी फोर्सेस के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकन फोर्सेस और जापानीज फोर्सेस को छोड़ दें तो दुनिया में और किसी भी कंट्री के फोर्सेस के द्वारा ऐसे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि वो इनके बदले रोटरी विंग हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों है? तो हम आपको बता दें कि ये जो टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इनकी जो टेक्नोलॉजी है, यानी इन्हें डेवलप करना भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इनमें दो इंजन लगे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ऑपरेट करना भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसलिए इन्हें कई सारी कंट्रीज इस्तेमाल नहीं करती हैं, लेकिन एक्सपेंसिव होने के साथ ही साथ ये कई मामलों में रोटरी विंग हेलीकॉप्टर से ज़्यादा बेहतरीन भी होते हैं। जैसे कि जो इनकी स्पीड होती है, वो रोटरी विंग हेलीकॉप्टर से कहीं ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें रोटरी विंग हेलीकॉप्टर की स्पीड की, तो वो 300 से 350 किलोमीटर पर आवर की होती है, जबकि टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर की जो स्पीड होती है, वो 500 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है। उसके साथ ही इसमें दो इंजन लगे होते हैं जो काफ़ी पावरफुल होते हैं, जिसकी मदद से ये ज़्यादा वजन को कैरी करके उड़ सकता है। उसके साथ ही साथ ये हेलीकॉप्टर साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन साइज में बड़े होने के बावजूद भी इन हेलीकॉप्टर्स को आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड और टेक ऑफ कराया जा सकता है, क्योंकि ये वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप सोच रहे हो कि अगर ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इन्हें हमारी आर्म फोर्सेज के लिए क्यों बनाएगा? तो हम आपको बता दें कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि अभी इन्हें डेवलप करने में 15 साल का समय लगेगा और इन 15 सालों में हाल के द्वारा इसकी टेक्नोलॉजी में कई सारे चेंजेस किए जाएंगे, जिसकी वजह से जो इसकी टेक्नोलॉजी है, वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी और सस्ती होने के बाद इसे आसानी से हमारी आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आखिर इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हमारी आर्म फोर्सेस क्यों करेंगी? तो हम आपको बता दें कि ये हेलीकॉप्टर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रोटरी विंग हेलीकॉप्टर से ज़्यादा वजन को कैरी कर सकते हैं और इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, इसीलिए अगर इन्हें हमारी फोर्सेज में शामिल किया जाता है तो हमारी फोर्सेज की कार्गो ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो को एक जगह से दूसरे जगह तक हमारी फोर्सेस के द्वारा आसानी से ले जाया सकेगा। इसलिए हो सकता है कि फ्यूचर में चल के इन हेलीकॉप्टर्स को हमारी फोर्सेस में शामिल किया जाए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये न्यूज़ सिर्फ मीडिया में ही है। अभी HAL की तरफ से ऐसे किसी भी तरीके की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है, लेकिन हो सकता है कि ऐसे हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्म फोर्सेज में शामिल हों, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो लगातार इंक्रीज कर रही है और हमारी जो फोर्सेज हैं उन्हें भी लगातार मॉडर्नाइज किया जा रहा है। कुछ सालों पहले भी एक ऐसी न्यूज़ बाहर निकल के आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अमेरिका के V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर को परचेस किया जा सकता है और उसके नंबर्स को भी मेंशन किया गया था कि वो हो सकता है कि 6 की नंबर में इन एयरक्राफ्ट को परचेस करें, लेकिन अमेरिका और इंडिया के बीच में ऐसी कोई भी डील नहीं हुई। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर HAL के तरफ से ऐसे हेलीकॉप्टर्स डेवलप किए जाते हैं और हमारी आर्म फोर्सेस को दिए जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे हमारी आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी और इन हेलीकॉप्टर को हम फ्यूचर में अलग अलग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे हेलीकॉप्टर्स की जो डिमांड है वो फ्यूचर में होने वाली है। क्या इन हेलीकॉप्टर को HAL के द्वारा डेवलप करके हमारे आर्म फोर्सेस को दिया जाए? आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। जय हिंद।